so much. Thank you. Well, I had to be here today because, you know, Jagran has always been so close to my life as an actor. And I know Anuji personally, so he's like, you know, a very, very, very dear friend. And he personally invited me, and I just could not say no today. I had so much work, but I just came to, I had to come here. I had to be a part of this. बिल्कुल और एक इतना बड़ा मीडिया हाउस ऐसा काम कर रहा है इससे बढ़िया और क्या हो सकता है बिकॉज़ फिल्मों को भी मीडिया की हमेशा जरूरत है स्प्रेड यू नो टू स्प्रेड अवेयरनेस आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक मिलन है कि जागरण ने ये स्टेप उठाया है आई एम होपिंग एंड आई एम रियली होपिंग दैट दे गिव चांस टू अ लॉट ऑफ बडिंग एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड एवरीबॉडी हु कैन ब्रिंग इन समथिंग न्यू टू द इंडस्ट्री Oh, thank you. जी आप समझ रही हैं जो कहने की कोशिश किस बारे में आप खुला खुला पूछिए खुला सवाल सीधा होना चाहिए जी 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 सुना जी जी देखिए मुझे पहले भी इंटरव्यू में पूछा गया था उनके बारे में और मैं उनसे एक या दो बार मिली हूँ अपनी लाइफ में मुझे बहुत ही सादी और स्वीट लड़की लगी वो मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती और मैं नहीं जानती कि उस दौरान क्या हुआ था मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहूँगी पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये अगर ऐसा हुआ है अगर ये सच है तो आई थिंक इट्स हाई टाइम हमें कॉन्शियस एफर्ट लेना चाहिए इसके प्रति जैसे कि मेरी सीरीज़ में भी मैंने यही बात की है कि जब तक आप अपने दिमाग को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर हमें बेटर इंडिया चाहिए अगर हमें बेटर लाइफ चाहिए तो हमें पहले बेटर इंसान बनना पड़ेगा और वो खुद तभी हो सकता है जब हम कॉन्शियस एफर्ट लें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं अब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ना सिर्फ इंडस्ट्री में बट पूरी दुनिया में लड़कियों को किस किस हद से गुजरना पड़ता है और अनफॉर्चुनेट है कि उन्हें चुप करा दिया जाता है That is something I want to fight against. अरे इतनी बड़ी गड़बड़ है कहीं कुछ नहीं सर बहुत बड़ी गड़बड़ है बहुत बड़ी गड़बड़ है और हमें अब ब्लेम करने के बजाय खुद अंदर झांक कर इसे देखना होगा कि भाई कहीं हम भी गलत हैं चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हों परवरिश में गलती है कंडीशनिंग में गलती है जिस तरह से लड़कियों को सिखाया जाता है कि बेटा रात होते घर आ जाओ पर लड़कों को नहीं कहा जाता है कि बेटा रात होते घर आ जाओ या कुछ अगर लड़की के साथ हुआ तो उसको बोल देंगे कोई बात नहीं बेटा चुप हो जाओ तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी बट लड़कों को नहीं बोलता ऐसा एंड इट्स वेरी प्रोमिनेंट आई हैव सीन इट इन माई लाइफ इन मेरी फैमिलीज़ में मेरे दूर की फैमिलीज़ में मैंने दिखाए होते हुए सो आई थिंक अगर हमें एक बेहतर कंट्री चाहिए अगर हमें बेहतर लाइफ चाहिए तो हमें ये सारे कॉन्शियस डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे और अंदर झांकना पड़ेगा थोड़ा गंद लगेगी पर गंद को हटाने के लिए उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है जी ओके मैं आप सबको हर चीज़ में नवरात्रि क्या मतलब हर दिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगी मैं चाहूँगी कि आप अपना हर दिन नवरात्रि की तरह मनाएं और बहुत खुश रहें आबाद रहें दिमाग से बहुत ही हेल्दी रहें और जब आप वहाँ से हेल्दी रहेंगे ना आप बहुत खुश रहेंगे ट्रस्ट मी जी अभी हम सीज़न 2 पे काम कर रहे हैं और सीज़न पहली हमारी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट हुई है और जो जिस तरह के कमेंट्स मुझे मिलते हैं मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो गया एज ए ह्यूमन बीइंग मैं चाहूँगी कि उसके प्रति और काम करूँ और फिल्में बनाऊँ और कॉन्वर्सेशंस करूं मुझे बहुत जगह आजकल बुलाया जाता है कॉलेजेस वगैरह में बात करने के लिए स्टूडेंट से और मुझे बहुत मज़ा आता है मुझे लगता है कि कहीं एक मीनिंग मिला है ज़िंदगी को कि मेरी कहानी से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है सो आई फील ब्लेस्ड ऑफ कोर्स इट मैटर्स इट्स लाइक एन मोटिवेट्स यू फर्दर इंस्पायर्स यू आई लाइक इट आई स्टिल लाइक इट
Oh, it's been phenomenal. It's been phenomenal so far. It's not, it doesn't stop. Every day I keep getting messages and texts about it and tweets about it. So it's been a crazy, crazy ride so far. I love it. Personally, I don't like it. I feel that the film should work in totality because everybody has put in the effort and it's a teamwork with that needs to shine. If music works and film doesn't work, I really feel sad. I never feel happy. And I am the most happiest when everything works together. When the film is also working, music is also working, that's where I feel most satisfied. And I'm half satisfied with Norman. See, nobody can predict that in advance that what will work by reading the script. You can just not predict how it will work. It will do wonders at the box office. I don't think anybody can. Whoever is saying, claiming who can do it, I don't know, they are God maybe. But it's very tough to do that. But whatever instinctively you feel good about, if you are connecting with the story, with the filmmaker, there is a vibe, there's a good vibe with the person, and the wavelength matches, then I think that's better enough reason to do that film. That's what. What's with this new look? What is the look? What? I just went to my hair today evening. I just went to my hairstylist and told him, like, mere ghar ke paas mein hai. I told him that I have a function tonight. Baal ko kuch kar de yaar. So he just did it. I don't know much about all this. Haan ji. Definitely, बहुत अच्छा लगा. सीक्रेट सुपरस्टार का म्यूजिक मैंने जैसे कि स्टेज पे भी कहा वो फिर से कहना चाहूँगा कि वो एक टीम एफर्ट था. इट वाज जस्ट नॉट मी अलोन क्रिएटिंग द म्यूजिक बिकॉज हम 10 दिन तक पंचगिनी में आमिर सर के बंगले में थे. वहाँ पर मेघना मिश्रा थी जो एक बहुत बेहतरीन सिंगर हमें मिली. जो मेघना मिश्रा और ज़ायरा वसीम जिन्होंने इतना बखूबी वो निभाया ऑन स्क्रीन. अद्वैत चंदन जो कि फायर थे एज अ डायरेक्टर एज अ फिल्म मेकर और एज अ स्क्रिप्ट राइटर जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी. He was like a fire all the time and great, great support. And there was Kausar Munir ji thi, jinhone lyrics likhe. Phir wahan pe mere kaafi sare musicians the, meri music ki team hai. To inka, aur last but not the least, Aamir Khan sir. Unke bhi, matlab, pehla piece se leke, ek, chahe woh gaane ho, chahe woh background score, har ek piece ko, har ek music ke har ek piece par woh baithte the aur he used to have his opinion on it. Without his क्या कहते हैं अप्रूवल कुछ आगे बढ़ता नहीं था. सो ही वॉज लाइक ऑन टॉप ऑफ एवरी थिंग. सो यार थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. बिल्कुल आज मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल मतलब अटेंड करने नहीं अपनी मम्मी को लेने आई हूँ पिक करने. वो जूरी में थी एंड मैंने हमेशा समझा है कि जागरण एक बहुत खास प्लेटफॉर्म है. मेरा बहुत खास रिश्ता है उनके साथ क्योंकि नीलबटे सन्नाटा और अनारकली ऑफ आरा दोनों मेरी जो स्पेशल फिल्म है उनके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है जागरण फिल्म फेस्टिवल पे. मुझे लगता है ये फेस्टिवल एक बहुत अच्छी मुहिम है अच्छे सिनेमा और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को भारत के छोटे शहरों तक पहुँचाने के लिए. तो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी माता जी भी अब एसोसिएटेड हैं इससे. हाँ मैं अब दो वेब सीरीज आ रही हैं मेरी. एक सीज़न टू है इट्स नॉट दैट सिंपल का और दूसरा है रस भरी. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. मुझे लगता है कि सेफ वर्किंग प्लेस हर इंसान आदमी या औरत उनका हक है. सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस हमारे समाज और हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे बहुत कम अटेंशन मिलता है और बहुत कम सीरियस बातचीत होती है इसके बारे में और हम ज़्यादातर करके एक्चुअली अनअवेयर रहते हैं इसके बारे में. मुझे लगता है इस मुद्दे पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पॉसिटिव है. सो आई थिंक दैट अच्छी चीज़ है कि ये बातें बाहर आ रही हैं और हमें बहुत एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसके बारे में बात करनी चाहिए और एक करेक्टिव रूप से अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाना चाहिए. एंड जैसा कि मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया. सो या मतलब बहुत मतलब हैप्पी नवरात्रि. एंड जो लोग फास्ट रख रहे हैं आप मतलब आई होप आपको ज़्यादा भूख ना लगे और जो लोग डांडिया खेल रहे हैं आई होप बहुत मज़े करें आप. थैंक यू.
मैं तो जागरण के साथ, जब से जागरण का ये फेस्टिवल शुरू हुआ है तब से इन्वॉल्व हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में जाता है फेस्टिवल, ऐसी फिल्में दिखाता है उनको जो वहाँ आमतौर पे जो नौजवान है ख़ास तौर पे वहाँ के देख नहीं पाते हैं, एक तरह के सिनेमा को देख पाते हैं, एक भव्य सा हमारा जो सिनेमा है बड़ा, जिसे आप बॉलीवुड कहते हो, मैं हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कहता हूँ, तो वो एक तरह का सिनेमा है जो होता है रिलीज़, लेकिन अलग तरह का भी सिनेमा है, दुनिया भर का सिनेमा है, सोचने के नज़रिए अलग हैं, आप दूसरे मुल्कों को भी जानते हैं उनके सिनेमा के ज़रिए, उनकी संस्कृति कल्चर के ज़रिए, तो बहुत अच्छा है ये जो काम है, ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं इन्वॉल्व हूँ। अवार्ड्स नाइट बहुत अच्छी होती है, एक क्लोजिंग सा होता है, पीठ थपथपाई जाती है, वो अच्छी बात है, मिले तो खुश हो, ना मिले तो निराश ना हो। नहीं मैं बता नहीं सकता ना, मैं जूरी में हूँ। बहुत अच्छी बेस्ट, ज़्यादातर फिल्में बहुत अच्छी, ये ईयर की फिल्में बहुत सारी बहुत अच्छी हैं यार, अब किसी एक का लूँगा तो हम तो दूसरे जो है नाराज़ होंगे, बट मैं पटाखा देखना चाहता हूँ, राजीव अच्छी फिल्म थी, विलेज रॉकस्टार्स बहुत अच्छी फिल्म है, और बहुत अच्छी बात है कि उसको सराहा गया है, आज किसी कोई गया था पीवीआर में फिल्म देखने तो बोला था फुल हाउस है विलेज रॉकस्टार्स का, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये आसामी एक छोटी सी फिल्म, दो मेंबर यूनिट, एक नौजवान लड़की, उसका एक सोचने का तरीका, उसने एक फिल्म बनाई, तो कितना कॉन्फिडेंस देता है वो लोगों को जो आज के नौजवान हैं, कहीं पर भी बैठ के आप फिल्म बना सकते हो अगर आप में कहानी सुनाने की कुव्वत है, तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी हैं, इनफैक्ट आजकल का सिनेमा, अभी एक फिल्म आने वाली है तुम्बाड़, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है, मैं उसका थोड़ा सा अंश देखा हुआ है, और कमाल की फिल्म है, उसका जो फिल्म मेकर का जो विजुअल स्टाइल है, ऐसा स्टाइल मैंने बहुत कम देखा है, तो वो बहुत बड़ा फिल्म मेकर होने वाला है, आज मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्बाड़ जिसने बनाई है वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फिल्म मेकर होगा। अब ये आप सब पकड़ के अब मुझे बोला जाएगा कि मैंने आज बोला नहीं, मतलब देखिए माहौल अगर ऐसा था तो उसके खिलाफ बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है या कोई हिचक नहीं है, मुझे औरतों के प्रति बॉलीवुड में या उसके बाहर जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो शर्मनाक है ना, तो आप बैंक में जाएं तो ये कंप्लेंट है, आप एकेडमिक्स में जाएं और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कैंपसेस में जाएं, रिसर्च स्कॉलर और टीचर का रिश्ते उसमें बहुत कहानियां आप सुनते हैं, तो ये जो एक मर्द जो है वो उसका कुछ एक हक सा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पुलिस वाला लखनऊ में गोली मार देता है उसको भी तो एक सब्जर्वियंस की ज़रूरत है, उसको आदत है कि रुका क्यों नहीं, मैं गोली मार दी, तो ये भी एक नज़रिया है, सोचने का जो तरीका है, जिसको सब्जर्वियंस चाहिए, झुक मेरे सामने, मैं पावरफुल हूँ तुम मेरे सामने झुको, तो अब जो है वो हक मर्दों से छिन गया है, अब आप नहीं कर सकते, ये आप कतई नहीं कर सकते, और हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम अपनी सारी जो महिलाएं इस पेशे में, और अब तो बहुत हैं हर जगह, पहले तो चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एडिटर हो, चाहे साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, कैमरा में आए और औरतें आएँ, और उनको माहौल मिलना चाहिए जहाँ उनके ऊपर मतलब बतौर वो प्रोफेशनल देखी जाएँ, और उनको वो माहौल मिले जहाँ वो सुरक्षित महसूस करें, ये बहुत ज़रूरी है, और मुझे कोई इसमें बोलने में कोई बात सही है इसमें क्या बोलने में चाहिए।